वृक्षलता आदि को स्थावरलिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जगमलिंग कहते हैं। स्थावरलिंग की सींचने आदि द्वारा सेवा करनी चाहिए और जगमलिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना उचित है। उस स्थावर जगम जीवों को सुख पहुंचाने के अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। यों चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजन करना चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला होता है, अथवा चरलिंग में षोडशोपचारों द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करें, यह पूजन भी शिव पद का प्रदान करने वाला होता है। आहवन आसन अर्घ पग पघाम आचमन अभग्य पूर्वक स्नान वस्त्र एवं यज्ञोपवीत गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तंबूल समर्पण नीराजन नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार हैं, अथवा अर्घ से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक नैवेद्य नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव की प्राप्ति कराने वाला होता है, अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों के द्वारा स्थापित शिवलिंग में और देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयं भू शिवलिंग में, अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से, पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य के ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सारा का सारा फल प्राप्त होता है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग के पद की प्राप्ति होती है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याण प्रद होता है। मिट्टी आटा गाय के गोबर फूल कनेर पुष्प फल गुड़ मक्खन भस्म अथवा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करें, अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जाप करके, अथवा दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्त्र प्रणव का जप किया जाए तो यह क्रमशः शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। जब काल में मकरांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि कराने वाला होता है, समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय भी उपासु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओमकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जाप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्त्र जाप ही कर लिया जाए, उसे शिव की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान मंत्र की दीक्षा मातृकाओं का न्यास सत्य से पवित्र अंत करने वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विज तेरों के लिए अंत में नमः शिवाय पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमोस्त उच्चारण का विधान है, अर्थात वे भी शिवाय नमः का ही जाप करें। कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय जाप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जाप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जाप करके मनुष्य भगवान शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रमशः श्री ब्रह्मा श्री विष्णु और श्री रुद्र तथा महेश्वर पद का प्राप्त होता है, अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1,00,000 जप करके समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हों उतने लाख जाप करें। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1,000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10,00,000 जाप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभीष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातः काल उठकर 8,000 बार गायत्री का जाप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान कराने वाली होती है।
वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जाप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। अनन्य जो बहुत से मंत्र हैं, उनका भी जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस प्रकार जो यथाशक्ति जाप करता है वह क्रमशः शिव पद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपना कर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जाप करना चाहिए, अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1,000 जाप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं, उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करें, वह जड़ चेतना सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी कुआं और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, वहाँ स्नान दान और तप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में किसी मृत संबंधी का दाह संस्कार मासिक श्राद्ध सापंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा किसी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद को प्राप्त कर लेता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 5, 7, 3 या 1 ही रात निवास कर ले, ऐसा करने से भी क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभिष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रात मध्याह्न और सायहन। इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रात काल को शस्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्यकाल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है और सायकाल शांति कर्म के लिए उपयुक्त जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 पहरों के बीच जो 2 प्रहर हैं, उन्हें निशीत काल कहा गया है। विशेषता है उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल को देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषता है कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिव आराधना करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो उन कर्मों का पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा, महर्षि सूत जी, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से है जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर लें, यह हमें संक्षेप में बताइए।